दोस्तों, बॉलीवुड हमारा पिछले 100 सालों से मनोरंजन कर रहा है। इन 100 सालों में कई कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से हम सबका मनोरंजन भी किया है। दोस्तों, बॉलीवुड के इस सफर में कई मजेदार और रोचक बातें हुई, जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की शुरुआत सन 1913 में हुई थी, यानी बॉलीवुड एक सदी से भी अधिक समय से चल रहा है। बॉलीवुड की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्रा सन 1913 में बनाई गई थी, जो दादा फाल्के साहब द्वारा बनाई गई थी। बॉलीवुड की शुरुआत के करीब 20 साल बाद ही बॉलीवुड में हर साल करीब 200 से भी ज्यादा फिल्में बनने लगी थी। भारतीय सिनेमा की पहली आवाज फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जो उस समय बहुत ही सुपरहिट हुई थी। बॉलीवुड का नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड की तर्ज पर रखा गया है। बॉलीवुड में ज्यादातर गाने शुरू से ही उर्दू शायरी पर आधारित होते हैं। बॉलीवुड का जन्म तब हुआ था जब लुमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई सन 1896 को बंबई के वाटसन होटल में अपनी फिल्म का पहला शो भी दिखाया था। उस समय टिकट सिर्फ 1 रुपया था, लेकिन लोगों को फिल्म देखकर इतना मजा आया कि यह एक फिल्म उद्योग बन गया। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड की पूरी सदी का महानायक माना जाता है। शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी मूवी दुनिया में अब तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। आपको बता दें कि यह फिल्म 1000 हफ्तों से भी अधिक समय तक सिनेमाओं में दिखाई गई है। बॉलीवुड की मुगले आजम एक ऐसी फिल्म है जो एक साथ 3 भाषाओं में शूट की गई थी। बॉलीवुड की शोले फिल्म कई सालों तक सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी सिर्फ 13 साल की थी जब उन्हें रजनीकांत की मां का किरदार निभाने को मिला। बॉलीवुड में फिलहाल कपूर खानदान के 3 अलग-अलग परिवार काम कर रहे हैं। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत इतनी हिट साबित हुई थी कि वह लगातार 3 सालों तक सिनेमा घरों में चली थी। बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।